माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सबसे पहले आपको अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं। सभी सदस्यों का और खास तौर पर अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि आप अध्यक्ष बने, लेकिन अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। सब लोगों ने एक बात स्पष्ट ये कहा कि आसन जो है बिना भेदभाव के सत्ता और विपक्ष को साथ लेकर के चलना होता है, निष्पक्ष होना होता है और सबका संरक्षण आपको करना है और बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सदन में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, जनहित के लिए हम सब लोग यहां चुन करके आए हैं और हम सबका दायित्व है कि संविधान को मानते हुए, नियमावली को मानते हुए हम सब लोगों को जनता के जो प्रश्न हैं उसका समाधान हम सब लोगों को मिलकर के करना है, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। और विपक्ष को माना जाता है लोकतंत्र में भी कि सत्ता का ही पक्ष होता है, तो हम लोग कोई अलग नहीं है, मतभेद होते रहते हैं और चलता रहे। बिहार आप जानते हैं महोदय लोकतंत्र की जननी है, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम वैशाली से जीत के आते हैं जो लोकतंत्र की जननी है। लेकिन आज और इन दिनों ये देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सत्य को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप बात खत्म हो जानी इसमें। शांति बनाए रखें महोदय। हम लोग ये चाहेंगे कि आप आसन के जरिए संविधान की संरक्षण करें, लोकतंत्र को बचाएं, सत्य का साथ दें। हम तो बस इतना ही चाहते हैं और ये होना भी चाहिए। हम क्या, यहां बैठे हुए जितने सदस्य हैं किसी को संविधान से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये आवाजें क्यों उठ रही हैं। तो हम लोग कोई गलत बात तो नहीं कहा, हम तो यही कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करो, हम तो यही कह रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा करो। और हम उस जिले से आते हैं जो लोकतंत्र की जननी है, वैशाली है। लेकिन आज जो हम सब लोगों के सामने जो चुनौती है इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। सत्य को कितना भी दबाया जाए, छुपाया जाए, लेकिन देर सवेर वो सामने निकल के आता ही है। लेकिन हम सब लोग मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन अब आप आसन पे विराजमान हैं, आप संरक्षक हैं, अब हम बात कृपया शांति बनाए रखें, सुना बात। अब आप आसन पे हैं, अब मेरा भी संरक्षण आप ही को करना पड़ेगा। अब हम जो बात हम जो कह रहे हैं, हमको तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम चुप भी कैसे रहे। झूठ और असत्य का साथ हम नहीं दे सकते मौत। हमको साफ तौर पे चुनाव की प्रक्रिया हुई, अब हम सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, चाहे जैसे भी प्रक्रिया हुई हो, हम सब लोगों ने जनादेश को स्वीकार किया हो, चाहे जैसे भी जनता ने अपना जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि हम लोग मर्यादा में रहने वाले लोग, तो हम तो उस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सत्ता में रहने वाले लोगों को इतना एहसास होना चाहिए कि नियम कायदा का कम से कम माखौल नहीं उड़ाना चाहिए। और इसके संरक्षक आप हैं महोदय। हम सब लोग पूरे विपक्ष के तरफ से, अपने राघोपुर के तरफ से,
हम आपको ढेर शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है संविधान, लोकतंत्र, हमारी जो विधानसभा की नियमावली है, जो देश का संविधान है, उसकी आप रक्षा करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी। आज आपके अध्यक्ष चुने जाने पे मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस विधानमंडल के सभी माननीय विधायकों की तरफ से आपको बधाई देता हूं और अध्यक्ष पद जो आप ग्रहण किए हैं, यह अभिभावक की तौर पे आप सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को समान नजरों से देखेंगे, यह मैं पूरा विश्वास रखता हूं आप पे। पूरा मेरा कांग्रेस विधानमंडल के सभी माननीय विधायक आपके आसन को, आपके अध्यक्ष पद को सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, जनता की अपेक्षाओं पर हम लोग जो खरा उतरने का कोशिश करेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, तो आप भी हम लोग का संरक्षण देने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से आपको कांग्रेस विधानमंडल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके अध्यक्ष पद का आसन ग्रहण करने पर अपनी तरफ से अपनी पार्टी भाकपा माले तथा अपने वामपंथी दल जो हमारे हैं सीपीआई सीपीएम की ओर से आपको बधाई भी देना चाहता हूं, शुभकामना भी देना चाहता हूं। महोदय, आप अध्यक्ष हैं, इस सदन में लोकतंत्र जो संविधान ने दिया महोदय, उसके संरक्षक है महोदय, और महोदय हम लोगों ने जो आज मांग की थी वो गैर लोकतांत्रिक मांग नहीं थी महोदय, लेकिन फिर भी बड़े बड़े विद्वान हमारे सदस्यों ने संस्कृति और लोकतंत्र की दुहाई देकर, परंपरा की दुहाई देकर हमारी मांग को मनमाना तरीके से खारिज कर दिया महोदय। महोदय आप गवाह हैं महोदय, और यह सदन भी गवाह है कि हमसे सर्वसम्मत अध्यक्ष चुने जाने की भी मांग नहीं की गई, फिर भी महोदय सुना जाए, महोदय सुना जाए, महोदय शांति बनाए रखे सदस्य का। तो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र और संविधान की एक हत्या हुई महोदय, मैं मानता हूं कि बिहार विधानसभा में पहली बार महोदय कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीच में ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, यह कोई मामूली घटना नहीं महोदय। हम मानते हैं महोदय कि संसदीय परंपरा के साथ नैतिकता का भी सवाल होना चाहिए, और नैतिकता और गरिमा का उल्लंघन करके हम अपने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं महोदय। फिर भी जो घटना घटी ये एक शर्मनाक घटना है, मैं मानता हूं, इसके बावजूद भी आपने जो आसन ग्रहण किया महोदय, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हम प्रतिपक्ष के लोग, विपक्ष के लोग और हम जैसे वामपंथी जमीन से जुड़े हुए किसान, खेत मजदूर और प्रवासी मजदूरों के दर्द को शिद्दत से महसूस करते हुए लोगों की का जो प्रस्ताव होगा उस पर निष्पक्ष भाव से आप जो है विचार करके हमारी जो ज्वलंत मुद्दों को भी आप सहानुभूतिपूर्वक और संविधान के निर्देश के अनुसार सम्मान देंगे महोदय। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको दोबारा धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।